गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गोल्डन एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 28 जुलाई 2018 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज वो हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है वो आपको मिल सके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, उस वीडियो का जो क्विज है वो है, हाल ही में 26 जुलाई 2018 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी सालगिरह देश भर में मनाई गई है। दोस्तों, इसकी 19वीं सालगिरह देश भर में मनाई गई है। जो कारगिल का युद्ध था वो भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों। और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी हमें याद रखना है। जो आज की वीडियो की बीच है वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, जिसका आंसर आपने हमें कमेंट करके देना होगा। चलिए इसी के साथ जो आज के पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। वह तत्व जिसे हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 को संशोधित कर शामिल किया गया है। जो दोस्तों सेल है उसी को संशोधित कर शामिल किया गया है। जो इसका उद्देश्य है वो है, जितनी भी परिवर्तन निजी कंपनियां हैं उनके ब्लॉकों में संसाधनों का पता लगाना और उनके उत्पादन करने की उनको अनुमति प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। सेकंड क्वेश्चन है वो है, वर्ष 2018 का जो पृथ्वी ओवरशूट दिवस आयोजित किया जाएगा, या दोस्तों 1 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। यह दिवस प्रतिवर्ष जो वन्य जीव कोष है इसी के द्वारा जो आयोजित किया जाता है, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस सद जो दिन सदी का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई दिया है। दोस्तों, जो 27 और 28 जुलाई है उसी को यह दिखाई दिया है। जो यह 11:54 पे जो रात के शुरू हुआ था और सुबह के 3:45 तक ये चला है। यह सदी का सबसे बड़ा जो सबसे लंबे टाइम तक का पूर्ण चंद्र ग्रहण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पीपी नल फेनोटाइप नामक अनोखे ब्लड ग्रुप का पता लगाया गया है। दोस्तों, जो दोस्तों कर्नाटक है, यहीं पर जो पीपी नल फेनोटाइप जो ब्लड ग्रुप है इसका पता जो लगा पाया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जो सदन ने मानव तस्करी निवारण संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018 पारित किया। दोस्तों, जो दोस्तों लोकसभा है उसी के द्वारा जो मानव तस्करी विधेयक 2018 पारित किया गया है। जो अगर दोस्तों कोई मानव तस्करी करता हुआ पकड़ा गया दोस्तों, तो उसको 10 साल की सजा प्लस में 1 लाख तक का जो जुर्माना है वो देना होगा। और दोस्तों इस जो विधेयक है इसमें दोस्तों एक जो राष्ट्रीय तस्करी रोधी ब्यूरो है उसका गठन करने का जो सुझाव पेश किया गया दोस्तों, ये हमें जो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अभूतपूर्व समाज सेवी कार्य के लिए रमन मैसेसे जो पुरस्कार हेतु चुना गया। दोस्तों, जो दोस्तों सोनम वांगचुक है इसी को चुना गया दोस्तों। और दोस्तों जो ये रमन मैग्सेसे है, यह पुरस्कार है जो 1958 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। और जो हमारे जो फिलीपीन देश है उन्हीं के राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, इन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार जो शुरू किया गया था। और इसमें टोटल जो 6 सदस्य को नामांकित किया गया है, जिसमें से 2 भारतीय है जिनका नाम है सोनम वांगचुक और जो भरत वाटवानी है उन्हीं को जो इसमें इस पुरस्कार हेतु चुना गया। दोस्तों, जो भरत वाटवानी है ये एक चिकित्सक है और जो सोनम वांगचुक है ये दोस्तों इनकी आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान और संस्कृति का इस्तेमाल जो करने की पहल से जो लद्दाखी युवक है युवा लोग हैं उनके जो जीवन में सुधार किया गया है, इन्हीं के कारण इनको
जो ये समाज सेवी कार्य के लिए ही जो पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स जो घोषणा पत्र में निम्नलिखित में से किस मुद्दे को विशेष रूप से उठाया गया है? जो दोस्तों आतंकवाद है उसी को विशेष जो रूप से उठाया गया। दोस्तों जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये साउथ अफ्रीका में चल रहा है, जिसके सदस्य आपने हमें हमने बार बार बताया आपको। जो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ब्रिक्स सदस्य है वो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसके जो सदस्य देश हैं। और जो साउथ अफ्रीका है ये सबसे लास्ट में 2010 में शामिल हुआ था। दोस्तों ये हमें याद रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के फुटबॉल क्लब रियल कश्मीरी एफसी के खिलाड़ी बी जो दोस्तों बोरुसिया है ड्रम्पमंड क्लब में प्रशिक्षण लेने किस देश में जाएंगे? दोस्तों ये दोस्तों जर्मनी में जाएंगे। दोस्तों जो यहाँ के फुटबॉल खिलाड़ी है बी बोरसिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने विश्व में रैंक प्राप्त किया है। जो दोस्तों इन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया, इन्होंने टोटल 342.6 अंक प्राप्त करके जो फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। इसके बाद दोस्तों जो हम जो चाइनीज तापते हैं इन्हीं को सेकंड रैंक प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, HCL टेक्नोलॉजीज के ने भारत में की कौन सी जो सबसे बड़ी IT सेवा फर्म बन गई है? दोस्तों यह तीसरी सबसे बड़ी जो IT फर्म है यह बन गई है। दोस्तों जो दोस्तों यह विप्रो लिमिटेड है, इसको पीछे छोड़कर इन्होंने यह तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और जो 6 वर्षों में देश की $167 मिलियन है जो सूचनांक IT कंपनी है जिसका नाम है आउटसोर्सिंग उद्योग, यह शीर्ष पर ही है। दोस्तों ये हमें याद रखना, फर्स्ट पोजीशन पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही पवन जल संधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए दोस्तों इसका भी देख लेते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन जो आंसर है वो है, यह जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच में है। ये दोस्तों ये भी सही है। हाल ही में सरकार ने इस पर 8 लाइन पुल निर्माण को मंजूरी दी है, यह भी सही है। जो इसकी लागत है वो जो 1,250 करोड़ है, यह भी सही है। इसका उद्देश्य रामेश्वर द्वीप के मुख्य भूमि से जोड़ना है, यह भी सही है। इसका आंसर हमें जो उपरोक्त सभी है यह सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आशावादी सूचनांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? जो भारत है उसको 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों इसमें जो फर्स्ट स्थान है वो इंडोनेशिया को, और जो सेकंड स्थान है वो नीदरलैंड को, और दोस्तों जो थर्ड स्थान है वो ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ है, और 6ठा स्थान भारत को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6th इंडिया यूके विज्ञान एवं इनोवेशन जो काउंसिल है कहाँ संपन्न हुई है? जो दोस्तों यह नई दिल्ली में संपन्न हुई है। जो इसमें जो एक टॉपिक उठाया गया था वो था जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक टॉपिक उठाया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान आम चुनाव में किस इनमें से कौन से सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जो वो बनकर उभरी है? जो दोस्तों पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी है, यही सबसे बड़ी पार्टी उभरी है। दोस्तों इन्होंने ही जो पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे वो जीत लिया है। जो इसके नेता है जो मुख्य नेता वो है इमरान खान, इसके मुख्य नेता है। और दोस्तों उन्हीं को जो वहाँ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो चुना जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इमरान खान है ये भारत जो पाकिस्तान है उसके जो बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है, जो क्रिकेट खिलाड़ी है जिन्होंने जो बहुत सारे क्रिकेट मैच खेले हैं और अपना नाम कमाया है। दोस्तों
और दोस्तों जो आज की वीडियो की जो हमारी क्विज है वो भी देख लेते हैं, जिसका आंसर आपने हमें कमेंट करके देना होगा। खेलो इंडिया छात्रवृत्ति योजना हेतु खेल जो प्राधिकरण ने हाल ही में कुल कितने युवाओं को जो चयन किया, दोस्तों इसका आंसर आपने हमें कमेंट करके देना होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट है वो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।